नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत द्वारा की गई पहल का असर अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मलेशिया की सत्ता पर जमे मोहम्मद बातिर की लंगोटी उतरते ही यहां के तैमद बाजारों में शांति छा गई है। हालत यह है कि मलेशिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने मोदी की मंशा को भाप लिया है। वे नहीं चाहते हैं कि मातिर की तरह उन्हें भी मोदी का कोपभाजन बनना पड़े, इसलिए अब उन्होंने एक बड़ा फैसला करते हुए मलेशिया में भारत को लॉजिस्टिक्स बेस बनाने की अनुमति दे दी है। उनके इस फैसले पर जब भारत ने उनका धन्यवाद किया, वहीं पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि मलेशिया में भारत का लॉजिस्टिक्स बेस बनने के बाद भारत निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर यहां तैनात हो जाएंगे। हालांकि मलेशिया में जिस लॉजिस्टिक्स बेस को बनाए जाने की तैयारी चल रही है, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संचालन और रखरखाव केंद्र का नाम दिया है। एचएल का मकसद इस बेस से इन हेलीकॉप्टर और विमान को अन्य विकासशील देशों को विक्रय करना है। पिछले कुछ समय से कई देश इन विमानों को खरीदने के लिए भारत के संपर्क में हैं। अगले 2 साल के भीतर भारत इनका निर्यात करना शुरू कर देगा। तेजस को तैयार करने के लिए मोदी सरकार ने एचएएल को 49,797 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि भारत द्वारा मलेशिया के अतिरिक्त जिन अन्य देशों में लॉजिस्टिक्स बेस बनाए जाने हैं, उनमें श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया भी शामिल है। भारत के इस कदम से चीन को लग रहा है यह उसकी घेराबंदी करने की कोशिश है, जबकि पाकिस्तान की तो हवा में गर्मी आते ही फटना शुरू हो जाती है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान और चीन ने भी मलेशिया में बेस बनाने का अनुरोध किया है, मगर सूत्रों की माने तो मलेशिया की वर्तमान सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि मलेशिया किसी भी हालत में भारत से उलझने के मूड में नहीं है। मोदी के खिलाफ जाकर मातिर ने जो पंगा लिया, उसमें मातिर का तहमन तो उधड़ा ही, लगे हाथ मलेशिया की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया। लेकिन पिछले दिनों मलेशिया में हुए सत्ता परिवर्तन का असर अब भारत मलेशिया के रिश्तों पर दिखने लगा है। मलेशिया पीएम मोहिउद्दीन यासीन ने इन विमानों को खरीदने की इच्छा जताकर रिश्तों को और ऊपर ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार भारत से न केवल अच्छे संबंध स्थापित करेगी, बल्कि नजीब रज्जाक के दौर में व्यापार को 25 अरब डॉलर ले जाने के लक्ष्य पर भी काम करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि मातिर को चलता करने में और उन्हें मलेशिया की गद्दी दिलाने में भारत का हाथ है, वह पूरी तरह निराधार है। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता। मलेशिया की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप अनुचित था, यानी पाम ऑयल को मलेशिया की सड़कों पर बहते देखकर मदरसा छाप अकल पर चढ़ा मुलम्मा उतर गया है। यह पाम ऑयल मलेशिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके दम भारत के हाथ में है। 3.5 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल की खरीदारी करने वाले भारत के मुकाबले दुनिया में कोई दूसरा इसका खरीदार नहीं है। खरीद भी ले तो उसे खपाने के लिए बाजार भी चाहिए, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी भारत है, जिससे पंगा लेकर कोई भी देश अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। इसलिए भारत ने भी मलेशिया को साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे भी मोदी सरकार ने पाम ऑयल को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया है, मगर मलेशियाई सरकार ने रिश्ते ठीक करने का आश्वासन देकर भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। पर मामला यहां तक नहीं है। मोदी सरकार अब मलेशिया पर पड़े दबाव का फायदा उठाने की कोशिश में है। मातिर के जमाने में जब यहां पाकिस्तान का डंका बजता था, अब उसकी लंका लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एचएल के लॉजिस्टिक्स बेस को मलेशिया द्वारा अनुमति उसी कोशिश का एक हिस्सा है। भारत चीनी का निर्यात मलेशिया में निरंतर जारी है। पाकिस्तान भी मलेशिया को चीनी निर्यात करता रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में चीनी को लेकर ही कोहराम मचा हुआ है। इसलिए भारत मलेशिया के चीनी बाजार पर पूरी तरह पकड़ बनाना चाहता है। भारत की कोशिश यही है कि यहां से पाकिस्तानी चीनी का पत्ता पूरी तरह कट जाए। इसके लिए मोदी सरकार मलेशिया पीएम से बात भी कर चुकी है। हालांकि यासीन के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने उन्हें बधाई तक नहीं दी थी। भारत की इस नाराजगी को यासीन अच्छी तरह समझ गए हैं। उन्होंने गद्दी संभालते ही मातिर द्वारा लगाई गई आग को शीतल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि मातिर के जाने का दुख सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है। बधाई संदेश इमरान ने भी नहीं भेजा है। दरअसल पाकिस्तान समझ चुका है कि जिस बूढ़े घोड़े की लगाम उसने पकड़ी थी, वह बिना नाल का हो गया है। मलेशिया का नया पीएम अब शायद ही मदरसा जमात का पक्ष ले सकेगा। वैसे भी मोहिउद्दीन यासीन की छवि सिद्धांतवादी राजनेता की है,
मजे की बात यह है कि सत्ता खोने के बाद मातिर अपनी गलतियों को एक इंसान होने के रूप में प्रकट कर रहे हैं, पर अब उनकी जालीदार टोपी हवा में उड़ चुकी है। पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने मलेशिया का जो बेड़ा गर्क किया, उसी का नतीजा है कि इस मुल्क को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी की हां में हां मिलानी पड़ रही है। मातिर की वजह से 3 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में पाम ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जिस देश की दक्षिण पूर्व एशिया के समर्थ मुल्कों में गिनती होती थी, आज वह हिंदू राष्ट्र के सामने सिर नीचे पिछवाड़ा ऊपर उठाकर सजदा कर रहा है। यूं भी इससे बढ़िया इलाज इस्लामी देशों का हो भी नहीं सकता, और ऐसा कारनामा करना केवल भारत को ही आता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।